हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज मैं आपको बता रही हूँ एक डेजर्ट जिसे फ्रूट डिलाइट कहते हैं और सनराइज पुडिंग भी कहा जाता है। ये हैदराबादी मैरिजेस में बनता है मोस्टली। चलिए, बहुत ही क्विक है, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बनाना ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेप्स, इसको मैंने हाफ हाफ किया है। पहले हम पूरे फ्रूट्स एक जगह कर देंगे। एप्पल डाल रही हूँ मैं, एप्पल भी वन है। और इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो, और इसमें हम ऐड करेंगे पोमेग्रेनेट, ओके, अनार, और ऑरेंज लिया है मैंने वन। चलिए, इन सारे फ्रूट्स को हमें हल्के से पहले मिक्स कर लेना है। बनाना आप लास्ट में कट करें वरना वो जल्दी ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। फ्रेश क्रीम ऐड करना है हमें, अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम है ये। और मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। शुगर आप हाफ कप डालें, फिर टेस्ट करें। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए, फ्रेश क्रीम भी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। टू टेबल स्पून है ये कंडेंस मिल्क। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आप एक बार टेस्ट कर लें मिठास। कंडेंस मिल्क डालने के बाद वो ऑलरेडी स्वीट हो जाता है, और आप चाहें तो और फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इसकी लेयरिंग होती है, थ्री लेयर्स में हम इसे बनाते हैं, इसीलिए इसे फ्रूट डिलाइट या ट्रिफल डिलाइट भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप, ये सर्विंग डिश है हमारी। मैंने यहाँ पर प्लेन वनीला ब्रेड केक लिया है। इसको आप ऐसे रख के थिन लेयर्स मैंने इसे कट कर लिए हैं, और ऐसे छोटे छोटे आप ऐसे मार्क कर दें ताकि जब आप इसे सर्व करें तो ये आसानी से निकल के सर्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, प्लेन वनीला केक है ये। ये हमारी बेस है लेयरिंग की। चलिए, अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्रूट्स जिसको हमने मिक्स करके रखा था। देखिए, ये थोड़ा थिक है तो मैं इसे थिन लेयर कर रही हूँ। देखिए ऐसे, वरना खाने में अच्छा नहीं लगेगा। एकदम थिन लेयर चाहिए हमें। चलिए, अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्रूट्स जिसको हमने मिक्स करके रखा है। देखिए, ऐसे स्प्रेड करना है आपको, ये बेस पूरा कवर हो जाए तो आप उसी हिसाब से आपके फ्रूट्स सेलेक्ट करिए क्वांटिटी। और ऑन द टॉप हमें डालना है आइसक्रीम, तो आप आइसक्रीम जब भी सर्व कर रही हैं सेम टाइम डालें वरना वो मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, फ्रूट्स
फ्रूट्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें टॉपिंग करेंगे आइसक्रीम की। आप चाहें तो थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और डाल सकते हैं। चलिए अब टॉपिंग करते हैं आइसक्रीम से। चलिए आइसक्रीम ऐड करते हैं। आइसक्रीम आप जस्ट बिफोर सर्विंग ऐड करें वरना वो मेल्ट हो जाएगी। देखिए आइसक्रीम से हमने कवर कर दिया है। अब हम इसमें करेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन। ये मैंगो जूस है। ऐसे आप ऐसे सर्व करने से पहले इसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। पिस्ता और बादाम ले रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे हमने बॉक्सेस बनाए हैं एक एक बॉक्स में आप एक एक ड्रॉप कर दें। खाना देखने में अच्छा हो तो भी अच्छा लगता है। टेस्ट भी मैटर करता है, लुक्स भी मैटर करते हैं। चलिए ये रेडी हो गई है हमारी। हैदराबादी शादियों वाला मीठा ये देखिए हमारा फ्रूट डिलाइट रेडी हो गया है। स्पेशली हैदराबादी मैरिजेस में बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। नीचे हमने केक की लेयर दी है, फिर हमने फ्रूट्स विद कंडेंस मिल्क ऐड किया है और ऊपर हमने आइसक्रीम की लेयर दी है विथ सम ड्राई फ्रूट्स। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।